क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास एक गन देखो मास का, हमारे पास लेट्स से गन का कितना था कैपिटल है गन बुलेट ऑफ एटी ग्राम उस गन से हमारे पास एक मास ऑफ द बुलेट उसकी वैल्यू क्वेश्चन में एट्टी ग्राम की बुलेट फायर की जाती है विद ए वेलोसिटी ऑफ किसकी बुलेट की वेलोसिटी है देखो, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट हमारा गन से निकलती है और बुलेट का में गिवन है 80 ग्राम। With what velocity does the gun recoil? तो गन रिकॉयल क्या होगा देखो हमारे पास अगर इस तरह से हम लेते हैं हमारे पास क्या था ये गन था देखो यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हो हमारे पास गन था अभी इस तरह से हमारे पास देखो इसके अंदर बुलेट रखी गई थी देखो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर ये बुलेट रखी गई थी इस गन के अंदर अभी टोटल बुलेट यहां पे थी इनिशियली अब जैसे ही एक बुलेट निकल जाएगा देखो तो बुलेट हमारा आगे की तरफ निकलेगा तो पीछे की तरफ क्या होगा मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए हमारे पास जो ये गन है वो पीछे की तरफ जाएगी ठीक तो यही हमारा किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी दैट इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड स्पीड क्यों पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि मोमेंटम हमारा कंजर्व करना है अब यहाँ से देखो जब ये बुलेट आगे की तरफ निकलेगी उसकी वेलोसिटी हाई होगी इट मीन जब बुलेट हमारा देखो जिस मोमेंट पे इस गन से जस्ट बाहर आई होगी लेट से देखो बुलेट हमारा इस गन से जस्ट बाहर आ गई और उसकी स्पीड हमने कितनी मान रखी है देखो वी और उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 120 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ से मान लेते हैं देखो जैसे ही बुलेट हमारा बाहर की तरफ आएगी इस गन से तो गन को पीछे की तरफ पुश करेगी इट मीस मोमेंटम कंजर्व होने के लिए हमें मोमेंटम कंजर्व करना होता देखो तो बुलेट हमारा आगे की तरफ निकलेगी निकलेगी बहुत हाई स्पीड होता है इम्पैक्ट से निकलेगी तो एक गन हमारा ऑलरेडी पीछे की तरफ चली जाती है क्यों जाती है क्योंकि उसको मोमेंटम कंजर्व करना होता है क्लियर हो गया तो ऐसे हमें क्या फाइंड आउट करना था की वाले तो तो यहां से देखो तो तो मोमेंटम मतलब इनिशियली हमारे पास देखो जब इनिशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो इस तरह से रहा होगा जब हमारा गन इस तरह से थी देखो अभी इसके अंदर बुलेट अभी निकली नहीं थी गन से बुलेट इसके अंदर जितनी भी थी बुलेट हमारा इसी के अंदर थी तो इनिशियल पोजीशन थी देखो इस तरह से ये हमारा इनिशियल था ये हमारा फाइनल था फाइनल मतलब कि इस मोमेंट में हमारे पास जो बुलेट थी गन से हमारे पास बुलेट उसका मास, देखो, बुलेट का मास एम है और गन का मास कैपिटल था बुलेट अगर देखो पॉजिटिव डायरेक्शन मान तो बुलेट की स्पीड कितनी थी ठीक तो यहां से देखो बुलेट की स्पीड हमें गिवन है एम इंटू वी

तो यहाँ से आ जाएगा का आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू एट होता है 96 तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 12 इंटू एट आ जाएगा हमारे पास 96 और यहाँ पे आ जाएगा डबल जीरोड बाई वन थाउजेंड इंटू फोर कितना स्पीड ऑफ द गन उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड तो गन इस स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी टू मीटर पर मीटर सेकेंड अब यहाँ पे देखो रिकॉर्ड स्पीड हमें मिल गई अब हमसे क्या पूछा गया था वॉट इज द कम्बाइंड मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर एंड बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग तो देखो before firing, देखो बिफोर बिफोर फायरिंग फायरिंग वाला डायग्राम तो यही था तो कंबाइंड मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन देखो बिफोर फायरिंग जब बुलेट हमारा गन से फायर नहीं की गई थी तो उस समय देखो गन भी रेस्ट में थी और उसी गन के अंदर हमारा बुलेट था तो बुलेट भी हमारा रेस्ट में होगा तो यहाँ से देखो बिफोर फायरिंग की अगर बात करो आंसर आपको मिल ही चुका है क्योंकि यही आप करके मोमेंटम फाइंड आउट किए थे मोमेंटम कंजर्व करके तो बिफोर फाइंड देखो गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थी तो उनका मोमेंटम अगर लिखो बिफोर फायरिंग मोमेंटम तो बिफोर क्या था हमारे जीरो था। दोनों में थी, जब हम नहीं किए थे तो मोमेंटम दोनों सिस्टम का क्या हो जाएगा किस सिस्टम गन और बुलेट जो एक सिस्टम था उसका मोमेंटम बिफोर द फायरिंग जीरो होगा अब यहाँ पे देखो आफ्टर द फायरिंग आफ्टर द फायरिंग आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास क्या था जैसे जिस मोमेंट पे आपने बुलेट को फायर किया बुलेट बाहर निकली होगी ये हमारा आफ्टर द फायरिंग वाला केस था देखो बुलेट बाहर निकलेगी तो गन पीछे की तरफ जाएगी रिक्वाय स्पीड तो यहाँ से देखो अगर मोमेंटम फाइंड आउट करो आफ्टर द फायरिंग तो मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग और उसकी वैल्यू आपने लिखा था देखो मास इंटू हमारे पास जो ये बुलेट था निकली थी उसका मोमेंटम तो मास बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस अब देखो गन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में गई थी जिस मोमेंट पे आप बुलेट को फायर गन को फायर करोगे तो बुलेट तो गन से निकलेगी इस डायरेक्शन में बट जो गन होगा पीछे की तरफ इंपैक्ट लगाएगी इट मीन गन देखो वी डैस स्पीड से पीछे की तरफ गई थी और आप वी डैस की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे मोमेंटम आपको नेगेटिव करना पड़ेगा मास इन टू यहाँ पे देखो वी डैस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो जो हमारे पास एम है किसका बुलेट का मास उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है अगर यहाँ पे देखो हमें गिवन है बुलेट का मास 80 ग्राम तो एट्टी डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा हमारे पास के में और उसकी स्पीड भी हमें गिवन है 120। देखो बुलेट की स्पीड जिस पे आपने गन की वैल्यून फोर इंटू फोर के जी गिवन था वीडियस वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो तो ये देखो हमारे पास मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग जिस मोमेंट में आपने गन को फायर किया होगा उस मोमेंट में ये हमारे पास गन का मोमेंटम आ जाएगा ठीक इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 12 into 8 क्या हो जाएगा ंडा नाइन सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारे पास फोर टू पॉइंट फोर इसको सॉल्व करेंगे हमें मोमेंटम मिल जाएगा आफ्टर द फायरिंग सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9600 सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नाइन पॉइंट सिक्स और इसको फोर इन टू पॉइंट फोर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे नाइन पॉइंट सिक्स तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जिस मोमेंट पे आपने गन को बुलेट बुलेट बाहर होगी, तो उस मोमेंट भी जो हमारे पास पूरे बुलेट और मोमेंटम जीरो, तो तो जीरो करने के लिए ही गन हमारा देखो पीछे की तरफ गई थी तभी तो हम कहेंगे हमारे पास मोमेंटम कंजर्व करना होगा पी इनिशियल अगर देखो इनिशियली हमारे पास मोमेंटम कितना था जीरो था तो बाद में भी आफ्टर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम हमारा फिर से जीरो होगा और मोमेंटम को जीरो करने के लिए ही गन हमारा देखो बुलेट तो इस डायरेक्शन में गई थी बट गन हमारा पीछे की तरफ थी. होता है हमारा क्या रहे, रहे. यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ ऐसी लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का आज डाउनलोड करें डाउट ऐप या डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर